एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसकी छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा। पेड़ ने कहा, तू कहाँ चला गया था, मैं रोज तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिले अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेके चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जवान उसके पास फिर आएगा यह उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काटकर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपके पास कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं दोस्तों। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए, पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनसे गले लग जाएं, फिर देखना वृद्ध अवस्था में भी उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा, फिर से अंकुरित हो उठेगा। आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, ताकि किसी की औलाद सही रास्ते पर आकर अपने माता